नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रिजल्ट और ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। दोनों के दोनों अभी बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के क्लर्क मेंस का कट ऑफ और रिजल्ट दोनों जारी कर दिया गया है। दो अपडेट आपको दिख रहे होंगे। जैसे आप ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो रिजल्ट यहाँ पे रोल नंबर के जरिए अपना चेक कर सकते हैं फेज टू के लिए। और कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ भी रिलीज हो चुका है। देखिएगा कट ऑफ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कट ऑफ के ऊपर, और जो मैंने कट ऑफ बताया था दोस्तों वही कट ऑफ देखने को मिला है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गया है, जितना मैंने बताया था वही आपको कट ऑफ देखने को मिला। सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए जनरल कैटेगरी का आपको दिख रहा होगा, जनरल और वो जनरल का कैटेगरी का दिख रहा होगा। मैंने आपको कट ऑफ क्या बोला था, मैंने कट ऑफ बोला था कि महिलाओं का कट ऑफ 125 से कम जाएगा, तो 125 से कम देखने को मिला है, और जनरल का कट ऑफ देखने को मिलेगा मेल में 132 130 से 135 के बीच में। बट मुझे खुशी है कि कट ऑफ 130 से भी कम गया हुआ है, क्योंकि मुझे अंदेशा था कि इस बार कट ऑफ कम ही जाएगा। तो यहाँ देखिए 127 नंबर मेल का कट ऑफ गया, 127 से 128 मान लीजिए, और फीमेल का कट ऑफ 124 गया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेल ईडब्ल्यूएस देखेंगे तो 125 से 126 मान लीजिए, और 121 नंबर फीमेल का कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है ना। उसी के साथ बीसी में देखेंगे तो यहाँ 119 नंबर, 124 नंबर एमबीसी में देखेंगे तो 119 नंबर मेल, 113 114 नंबर फीमेल। उसके बाद देखेंगे एसटी में देखेंगे तो 102 नंबर, और वो फीमेल में देखेंगे तो 85 नंबर। देख सकते हैं कितना कम गया है। एससी में देखेंगे तो 97 नंबर मेल का, और यहाँ देखिएगा एससी में देखिएगा 87 नंबर, 88 नंबर फीमेल का। तो कट ऑफ दोस्तों सच में बहुत कम गया हुआ है, और मेरा जो अनुमान था वही कट ऑफ आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। कट ऑफ दोस्तों बहुत कम है। बीआई का कट ऑफ देख सकते हैं 124 से 125 नंबर है, डीडी का कट ऑफ है 102 नंबर, ओएच का कट ऑफ है 95 नंबर, और एमआई का कोई भी कट ऑफ नहीं है। यहाँ पे नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये हो सकता है कि मैक्सिमम, मतलब जो एक डेट ऑफ बर्थ होता है कि मैक्सिमम एज लिमिट क्या हो सकता है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया होगा या कुछ होगा, तो ये डेट ऑफ बर्थ है सभी के रिजल्ट में लिखा रहता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं हम। आगे नीचे अगर हम चले तो यहाँ पे देखिएगा सेक्शनल कटअप के बारे में बताया गया कि रिजर्व है, और जनरल का कटअप कितना गया। तो देखिएगा 40 में से 19 नंबर जनरल कैटेगरी, कंप्यूटर नॉलेज में 15 नंबर, 40 में से जीए में देखिएगा 9 नंबर, उसके बाद इंग्लिश में देखिएगा 24 नंबर जनरल कैटेगरी, इंग्लिश आसान था मतलब हिंदी में देखिएगा 21 22 नंबर, और मैथ्स में देखिएगा 18 नंबर, ठीक है ना। उसी तरह आप अपने रिजर्व कैटेगरी का भी देख लीजिएगा। तो कटअप और रिजल्ट दोनों घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट का दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा रिजल्ट और कटअप को, वहां पे जाके भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और आशा करता हूं कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।